हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल योर क्रिकेटिंग ड्रीम पर। तो दोस्तों, गुगली बॉल एक स्पिनर का काफी पसंदीदा हथियार होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि गुगली बॉल को कैसे डाला जाए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गुगली बॉल डालना सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ गुगली बॉल डालने के लिए। तो दोस्तों, जब आप नॉर्मली बॉल को ग्रिप करते हैं, तब आप इस तरह से सीम पर बॉल को ग्रिप करते हैं। आपको गुगली के लिए अलग तरीके से बॉल को ग्रिप करना है। आपको गुगली के लिए ऑफ स्पिन पे आप जैसे बॉल को ग्रिप करते हैं, इस तरह से ग्रिप करना है। अगर आपको ऑफ स्पिन के लिए ग्रिप करना नहीं आता तो अब भी सीख लीजिए। आप जब भी ऑफ स्पिन करते वक्त ग्रिप करते हो, तब आपको बॉल की सीम को ऊपर की तरफ रखना है। आपको बॉल की सीम को इस तरफ नहीं, हॉरिजॉन्टल में रखना है। और दो जो आपके फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, तीन उंगलियों की मदद से आपको बॉल को ग्रिप करना है। आपको कुछ इस तरीके से बॉल ग्रिप करना है। आपको उंगलियों को बाजू में नहीं रखना है और काफ़ी दूर रखना है। आपको बॉल को इसमें अटकाना है इस तरह से, और इस तरीके से कुछ ग्रिप करना है। आपको थंब को इन दोनों उंगलियों के बीच में ग्रिप करना है। तो दोस्तों, आपने सीख लिया है कि ऑफ स्पिन के लिए आपको ग्रिप कैसे करना है बॉल को। तो आपको इसी तरह से गुगली के लिए भी ग्रिप करना है। तो आपने ग्रिप करना तो सीख लिया है, अब सीखते हैं कि गुगली डालते कैसे हैं। गुगली डालने के लिए आपको कान के पास से बॉल छोड़ना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। आप जब भी बॉलिंग कर रहे हो तब आपको कान के पास से बॉल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कुछ इस तरीके से बॉल छोड़ोगे तो गुगली सही तरीके से नहीं जाएगी और इधर उधर जाएगी, वाइड भी जा सकता है आपका बॉल। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी बॉल को छोड़े तब आप कान के पास से छोड़े। तो दोस्तों, गुगली डालने के लिए आपको अपने व्रिस्ट है जो आपकी, उसको फ्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। आप जब भी बॉल डाल रहे हो तब आपको इस तरीके से फ्लिक करना पड़ेगा। तो इससे होगा ये कि बॉल को स्पिन मिलेगा और उसी स्पिन से बॉल टर्न होगी। गुगली डालते वक्त आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप गुगली डालो तब आपकी बॉल जो है वो दो उंगलियों के पीछे से आनी चाहिए। आपके उंगलियां सीधी ऊपर की तरफ होनी चाहिए और बॉल को ऐसे ऊपर से छोड़ना है, उंगलियों के पीछे से आपको बॉल को छोड़ना है। तो दोस्तों, अगर आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को गुगली डालनी है तो आपको राउंड द विकेट कुछ इस तरीके से गुगली डालनी पड़ेगी। आपको गुगली डालते वक्त यह ध्यान में जरूर रखना है कि आपका जो नकल्स है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अपने आपके लेफ्ट साइड की तरफ होने चाहिए इस तरीके से। अगर आपके नकल्स इस तरफ रहेंगे तो गुगली गलत पड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको जिस तरफ गुगली को स्पिन कराना है उस तरफ आपके नकल्स के पोजिशन रहने चाहिए। अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन को गुगली डाल रहे हो तो आपके नकल्स का पोजीशन राइट साइड में होने चाहिए इस तरीके से, और आपको बॉल को कुछ इस तरीके से लीव करना है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको तरीका बताया वो सबसे आसान तरीका है गुगली डालने का। आप ये सभी बॉल्स के साथ कर सकते हो और सभी बॉल में आपको गुगली का स्पिन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखकर बताना कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी या नहीं। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से क्रिकेट कंटेंट से रिलेटेड चाहिए। तो चलिए, चलता हूँ, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ।